उत्तर पंजाब सीमा के निकट पड़ते गांव देहणी में एक नटखट बंदर के उत्पादी होने से लोगों में भय का माहौल उत्पन्न हो गया है। दरअसल ये बंदर पहले देहणी गांव के बाहर बने शिव मंदिर में रह रहा था, लेकिन अब गांव के रिहायशी इलाकों के घरों में घुसकर ये बंदर खूब उत्पात मचा रहा है। और तो और, विरोध करने पर ये बंदर गाँव के कई लोगों को काट कर घायल कर चुका है। दरअसल जब गाँव वासी मंदिर जाते थे तो प्रसाद के रूप में बंदर को खाने के लिए कुछ दे देते थे, लेकिन बाद में बंदर मंदिर गए श्रद्धालुओं से छीना झपटी पर उतर आया। हाँ जी सर, मैं कृपाल सिंह पिंड देणी जी। तो साढ़े इत्थे शिव मंदिर दे विच एक मतलब काफ़ी दिनों तो एक बंदर जिहड़ा है आके ठहरिया होया जी, ते वो सारे पिंड दे विच घूमदा जी, ते सुते पियां ते भी अटैक करदा जी। पिछे एक छोटा जिहा बच्चा जी मतलब 8-10 साल का, वो दुध लैण गया था जी इधर, तो उहदे भी बच्चे दे मतलब बंदर ने हमला किया। ये तो मतलब थोड़ी जी मतलब ग्रहमत यह रही कि बच्चे दे मतलब हक ठीक रह गई, बाकी उसने मतलब नहीं उहदी हक दी मतलब हक भी मतलब निकल सकदी सी। तो बाकी प्रशासन नूं यही बेनती है मतलब इस बंदर का जिहड़ा ना जी मतलब इलाज किया जाए, तो इस नूं पकड़ के प्रशासन, तो साडी सरकार अगे मतलब बेनती है वे इस नूं पकड़ के अपना जीव जंतु विभाग वालियां नूं बेनती है वे अपना इनू मतलब पकड़ के किसी जंगल दे विच छड्या जावे। बेनती की जाती है जी, असं 4:30 बजे तो मंदिर में जाते हैं, असं डर डर के जाते हैं, सानू चार चुफेरा देखना पैंदा है भी कि मंदिर पर ना हो साढ़े पर पे ना जाए। पर छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं, कई बार चीकां भी मराइया होंगे, असं ताला लगा लेंगे बाजी वेले अंदर ते। पर साड़ी ये बेनती की जाती है, घर बिच भी आ जाता है, बाहर भी घूमता, सड़कों से भी घूमता, कोठियां से भी घूमता, भी इन जल्द से जल्द फड़ना चाहिए। साड़ी सरकार वालों यही बेनती है हाथ जोड़ के भी इहदा कोई भी कोई साधन करो, सानू घर काम करना भी जुलम किया वा, इन्हें बाहर निकलना भी जुलम किया वा, ना असी कपड़ा लीड़ा धो सकते, ना असी बाहर जा सकते, ना असी घर तो बाहर निकल सकते। अब इस बंदर ने गांव में कई महिलाओं की रसोइयों में घुसकर जायका बिगाड़ दिया है। बुजुर्गों का भी कहना है कि वो घर की छत पर धूप सेकने के लिए जाते हैं तो ये बंदर उनके कंधों पर बैठ जाता है और विरोध करने पर उनसे मारपीट तक करता है। घर के आंगन में खेल रहे बच्चों पर भी ये बंदर गुस्से में टूट पड़ता है तो घर के सामान को भी ये बंदर उठाकर फेंक देता है। बाइक पर जा रहे लोगों पर भी छलांग लगाकर ये बंदर कईयों को घायल कर चुका है। मैं कोठे पर चढ़ी जी, कोठे पर चढ़ी तो बंदर था उठे मेरे मोंडे ते बैठ के मेरे दंद लाते उन्होंने जी, कोई खून चलिया ज्यादा ही हाँ ज्यादा दंद लाते थे मुंडे पर, 4-5 महीने हो गए जी। साडा दैणी पिंड आया था जीना दलूम किया वा, मंदिर में जाओ उत्थे पै जाता, सड़क च जाओ मोटरसाइकिल जिक के बह जाता, मुंडिया पर बह जाता आते जाते, बी का कोई हल होया जाए। मेरा नाम गुरमेल सिंह है जी, मैंने रात नहीं बंद बंदर ने खा ली रात ना, मेरा बहुत बुरा हाल किया जी, उन्हें जीने मेरा बांध है मेरे सिर का बहुत बुरा हाल किया जी, मेरा उन्हें दिनों में किया मैंने रात में पिछा चल के उ सुने भी मेरे पर बंदर आ गया, भी मेरे पर बंदर आ गया जी, मेरे पर ऐसा हल करो जी भाई। बता दें कि लोगों की मांग पर प्रशासन ने उत्पाती बंदर को पकड़ने के लिए पिंजरा तक लगा रखा है, लेकिन चालक बंदर पकड़ में नहीं आ रहा, जिसको लेकर ग्रामवासी अपनी व बच्चों की सुरक्षा को लेकर सहमे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।